हेलो एवरीवन, तो आज हम एक और पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, व्हाट डज इट सेज? आछू। तो ये वर्ड आपके दिमाग में एक इमेजरी क्रिएट कर रहा होगा कि जब भी हम छींकते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो, आछू, राइट? तो ये जो आछू साउंड है, इसको मैंने लेटर्स की मदद से लिख दिया है, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया। यहां पर ये आछू वर्ड एक साउंड को इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। जब भी हम छींकते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, विच इज आछू। तो ये वर्ड उसी साउंड को कॉपी कर रहा है, यही है ओनोमेटोपिया का कॉन्सेप्ट। तो ये जो वर्ड है आछू, इट इज इमिटेटिंग सम साउंड, राइट? तो ऐसे वर्ड्स जो कुछ ना कुछ साउंड को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, इन्हें हम बेसिकली साउंड वर्ड्स कहते हैं। तो अगर इन साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल हम अपने पीस ऑफ राइटिंग में करें तो हम कहते हैं वहां पर पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोपिया, ठीक है? द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स इन आर पोएट्री और एनी पीस ऑफ राइटिंग इज सेड टू हैव ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस। ओके, सो हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस। सी, हिस। हिस इज अ वर्ड जो कि एक साउंड को इमिटेट कर रहा है। कौन से साउंड को? द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्नेक, है ना? स्नेक ये साउंड प्रोड्यूस करता है, हिस। तो ये वर्ड उसी साउंड को कॉपी कर रहा है। अगर हम इस वर्ड को अपनी पोएम में इस्तेमाल करें तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होगा ओनोमेटोपिया। नाउ देयर इज अनदर वर्ड म्यू। तो इस वर्ड को आप पढ़ते हैं तो ये कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज म्यू म्यू। ये साउंड बेसिकली एक कैट प्रोड्यूस करती है। तो ये वर्ड जो म्यू है, ये उस कैट के द्वारा प्रोड्यूस करने वाले साउंड को इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है? एक और वर्ड देखो, मू। इट्स मू। ऐसा साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? अ काउ। सो दिस वर्ड मू इज इमिटेटिंग दैट साउंड, राइट? देयर इज अनदर वर्ड नी। ऐसे कौन करता है? एक हॉर्स नी करता है ना। तो ये जो वर्ड है, ये हॉर्स के द्वारा प्रोड्यूस करने वाले साउंड को इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम बेसिकली साउंड वर्ड्स कहते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ ना कुछ साउंड को इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल अगर हम अपनी पोइट्री में करते हैं या फिर किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में करते हैं तो वी से कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया है। क्लियर? अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर याहू, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर किसी भी चीज़ में विक्ट्री हासिल करते हैं, वी से याहू, ठीक है? देयर इज अनदर वर्ड बूम। जब किसी भी टाइप का एक्सप्लोजन होता है, अपने कार्टून्स में भी देखा होगा, जब कोई भी कैरेक्टर कहीं से गिर जाता है या कुछ एक्सप्लोड होता है तो वहां पर एक लिख कर आता है BOOM, बूम। दिस बूम वर्ड इज इमिटेटिंग दैट साउंड, ठीक है? देयर इज अनदर वर्ड PHEW, प्यू। जब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं तब हम ऐसे बोलते हैं, ओ प्यू। सो दिस वर्ड फ्यू इज एक्चुअली इमिटेटिंग दैट साउंड। अच्छा, एक और वर्ड देखो, टिकटॉक। टिकटॉक, ये वो वाला टिकटॉक नहीं है, ये टिकटॉक वो क्लॉक वाला टिकटॉक है। जब आप किसी घड़ी को सुनते हैं तो वो ये आवाज करती है ना, टिकटॉक टिकटॉक, ठीक है? तो ये जो टिकटॉक वर्ड है, ये घड़ी की आवाज को इमिटेट कर रहा है। दिस इज अनदर वर्ड, जब हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं, व्हाट डू वी से? श। तो SHUSH इज द वर्ड विच इज इमिटेटिंग द साउंड श। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ओनोमेटोपिया के। अगर आप इन वर्ड्स को अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करेंगे तो पोइटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया हो जाएगा वो। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लिटरेचर में ओनोमेटोपिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके क्लास 9th की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और काफी फेमस पोएम है, रेन ऑन द रूफ। सो इसमें कुछ लाइंस हैं जहां पर ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर सुनाती हूँ अभी। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स
शिंगल का मतलब बेसिकली होता है टाइल. ओके. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. यहाँ पर ये जो वर्ड है टिंकल, इट इज इमिटेटिंग अ साउंड. जब किसी भी टाइल पर कुछ बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो जो आवाज़ निकलती है, दैट आवाज इज टिंकल. ठीक है. इस टिंकल वर्ड का इस्तेमाल, जो कि एक साउंड वर्ड है, ठीक है, तो इस टिंकल वर्ड का इस्तेमाल अपने हमने मतलब पोइट्री में किया है, तो इससे यहाँ पर पोइट्रिक डिवाइस है ओनोमेटोपिया. जब किसी भी पोइट्री में, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में हम साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पोइट्रिक डिवाइस होता है ओनोमेटोपिया. एक बहुत फेमस नर्सरी राइम है विच इज़ जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स, है ना. इसमें ये जो वर्ड है जिंगल, वॉट डज इट मीन? इट इज़ एक्चुअली इमिटेटिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बेल. जो एक बेल साउंड प्रोड्यूस करती है, जिंगलिंग साउंड, उसी को ये वर्ड जिंगल इमिटेट कर रहा है. तो वहाँ पर भी ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस है. हमें ओनोमेटोपिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अगर किसी भी साउंड वर्ड का इस्तेमाल पोइट्री में या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में हो तो वहाँ पर पोइटिक डिवाइस होता है ओनोमेटोपिया. अब आप किसी भी राइटिंग को पढ़ेंगे, किसी पोइट्री को या प्रोज को, कुछ भी पढ़ेंगे, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पर ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया गया है. अगर आपको चीज़ें समझ आई हों तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे. और हाँ, आप खुद से एक ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अगर कोई भी डाउट आता है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.